नमस्कार प्यारे साथियों, हरियाणा जीके क्विज नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए क्विज अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेटिक्स NIAG की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास है, 1984, 1983, 1986, 1985। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1984। निम्न में से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के बागोत गांव में है? ऑप्शन ए हनुमान मंदिर, ऑप्शन बी शिव मंदिर, ऑप्शन सी चामुंडा देवी मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने ऑप्शन बी पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले के बागोत गांव में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी अंबाला। तो जिन्होंने बी पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा के साथियों, किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? ऑप्शन बी पलवल। किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी दमन दीव। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हरियाणा राज्य का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के कारण देश में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तिल्ला जूते उद्योग, ऑप्शन बी पीतल बर्तन उद्योग, ऑप्शन सी हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने ऑप्शन डी पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य का जो रेवाड़ी जिला है, इन सभी उद्योगों के लिए देश में प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मिथाथल हरियाणा में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी अंबाला। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भिवानी। सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी पंचकुला। तो जिन्होंने सी पर टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी फरीदाबाद। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1899, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1899, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1895, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर 1899। और साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे पंडित श्री राम शर्मा का संबंध किस जिले से है? हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहां पर है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी अंबाला। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहां पर है साथियों? ऑप्शन ए फरीदाबाद। और आज इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, दुख बंजेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे टिक किया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों, आज के क्विज में टोटल 10 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की क्विज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इससे अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।